क्वेश्चन नंबर 60 ट्राई कर सकते हैं हम लोग। क्या कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग होता है? सर कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है ना, सॉरी कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग, कॉनकेव कन्वर्जिंग, राइट? यस सर। तो अब देखो क्या ऑप्शन मैच करा सकते हैं। तो कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है इसलिए नेगेटिव पावर, कॉनकेव कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव, एंड प्लेन मिरर का आपने बताया था कि जीरो पावर कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे आसान तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले किसको मैच करना चाहिए, प्लेन मिरर को। यस सर। तो इसका मतलब सी का आंसर पक्का क्या मैच होना चाहिए? आर। आर, सी का आर। सारे ऑप्शन में तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। यस सर। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है? यस सर होती है। एक फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू -1/r। ध्यान देना, लेंस में पावर 1/f होता है बट मिरर में -1/f होता है। ओके सर। तो कॉन्वेक्स मिरर की पावर कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बिल्कुल सही। तो एक आंसर किससे मैच करना चाहिए? सर क्यू से। बिल्कुल ठीक। और कॉनकेव का पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो बी का मैच होना चाहिए पी से। यस सर बी का पी भी सब में है क्या? एक मिनट, सारे ऑप्शन सेम लिखे हैं क्या इसमें? नहीं नहीं बी का पी एंड सी का आर, और ए का हमने क्या मैच करा था? क्यू। क्यू तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। यस सी। ठीक बात है। यस सर। थोड़ा ऑप्शन ठीक कर देता हूँ, ऐसा लिखाना चाहिए। ए से कंफ्यूजन हो रही थी, राइट? यस सर थोड़ी सी। आई थिंक अब क्लियर है ऑप्शंस। ए क्यू बी पी सी आर डी पी, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। आइडिया है इसका? सर थोड़ा सा, क्योंकि आकाश में काफी टाइम पहले करवाया था और स्कूल में अभी करवाया नहीं है तो। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और मैंने बताया लेंस में फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f। यस सर। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव। हाँ जी। ठीक है सर, बट इसमें इनफाइनाइट दिया हुआ है। जो हमारा आंसर मैच होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर का मैच होना चाहिए क्यू से, ए का क्यू, कॉनकेव मिरर का मैच होना चाहिए पॉजिटिव बी का पी, प्लेन मिरर का होना चाहिए पावर जीरो सी का आर, और डी का किससे मैच होना चाहिए, पी से। अच्छा डी का भी पी से होना चाहिए। डी का भी पी से हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं कि सबके अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हाँ जी थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना। यस। 59 देखते हैं। और कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मैच द फॉलोइंग।
अब ऑप्शन ध्यान से देखूं, सर बी ऑप्शन होना चाहिए। फोकल लेंथ 20 है, तो अगर ऑब्जेक्ट 40 पे रखा है तो क्या इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट? यस सर, तो इक्वल साइज बनेगी। तो मैं सबसे पहले सी को मैच करूंगा, इक्वल साइज, तो सी का क्यू होना चाहिए, राइट? यस सर, क्यू होना चाहिए। सी का क्यू, दो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, यानी आंसर सेकंड और फोर्थ में से एक लग रहा है मुझे। यस सर, बट फिर बी पार्ट देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अब 30 पे रख दिया है, इसका लाइव इमेज कैसी होनी चाहिए? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड होनी चाहिए, और क्योंकि सीएनएफ के बीच में है। मैग्नीफाइड एंड रियल इन्वर्टेड। यस सर, तो बी का पी मैच होना चाहिए। यस सर, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सही, तो इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है। यस सर, ठीक है। 58, एम प्लस प्लस वन है, इसका मतलब कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, तो ए का मैच होना चाहिए क्यू। यस सर, इसके ऑप्शंस ऐसे लिखे हैं, कंफ्यूजन हो रही, तो मैं ए बी को हटाकर 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, आप देखो, ए का मैच करवाएंगे हम पी से, नहीं ए का क्यू से। ए का क्यू से कितने ऑप्शन मैच हो रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड? यस सर। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं इसमें? अगर प्लस 2/3 मैग्निफिकेशन है तो कौन सा मिरर हो सकता है? तो कॉन्वेक्स ही हो सकता है। कॉन्वेक्स का मेजर 0 से 1 होता है, तो बी का पी एन सी का आर, और 3/2 है तो कॉनकेव होना चाहिए, मोर देन 1 है। यस सर, ठीक है। यस सर, 57, कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अच्छा ध्यान देना, नॉर्मली हम कैसा ऑब्जेक्ट लेते हैं? रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो मैंने बताया था रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बननी चाहिए। हाँ जी, और कॉनकेव मिरर तो सारे बनाता है क्या? यस सर, कॉनकेव मिरर सारे बनाता है। बोला कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कंडीशन और डाल रहा है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाली। सर इधर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ।
कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में रियल इमेज, तो पी पक्का हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन गया। हाँ जी, ए का पी पक्का होना चाहिए राइट, सब पी पक्का होना चाहिए, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा होगा मेरे हिसाब से। नहीं क्यों, पॉसिबल है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। एक बार चेक करते हैं इसको फॉर्मूले से, क्या हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। यस सर। हमारा मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। यस सर। तो क्या ऐसा बन जाएगा 1/f - 1/u। यस सर। अब इससे तो मुझे लगता है v पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। so अगर मैं यू को, अगर मैं यू को 2f डाल दूं तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। और यू को अगर मैं f/2 डाल दूं, अगर हम u की जगह f/2 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा क्या। इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में सब कुछ बन सकता है, रियल इमेज भी बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, मैग्निफाइड भी बन सकती है, डिमिनिश भी बन सकती है। ओके सर, ठीक है, यानी ये अच्छा क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट इसका खास कर, राइट। यस सर। सेकंड केस कर रहा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की भी बात सोचते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यानी फॉर्मूला काफी काम का अगर ध्यान दो तो। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f राइट। f कैसा है, नेगेटिव, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव, हाँ जी। राइट में जाकर क्या बन जाएगा, -1/u। इसका मतलब पक्का भी नेगेटिव ही हो सकता है। यस सर। लॉजिकल लगा, मैंने क्या बात बोली, माइनस कॉमन लो। अब u और f की कुछ भी वैल्यू डालो, v तो नेगेटिव ही आएगा। हाँ जी सर। इसका मतलब कैसी इमेज बनाएगा वो, ठीक बात है। यस सर। कॉनकेव मिरर में रियल यानी पी तो पक्का मैच होगा, क्यों गड़बड़ हो, रियल है तो वर्चुअल नहीं बना सकता। हाँ जी। अब मैग्नीफाइड बनाएगा या डिमिनिश्ड वो सोचते हैं। तो अगर तुम थोड़ा लॉजिक पे ध्यान दो तो क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कॉनकेव मिरर वैसा बिहेव कर रहा है जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ जी सर। नहीं नहीं वैसा नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्वेक्स को कैसा बनाता है वर्चुअल, ये कैसी इमेज बना रहा है सर, रियल। अच्छा वो मतलब रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाता है ना, तो इसलिए मुझे लगा कॉन्वेक्स मिरर तो सब कुछ बना देगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस में, रियल वर्चुअल डिमिनिश मैग्नीफाइड सब। अब मैं कॉनकेव की बात सोच रहा हूँ कि मैग्नीफाइड बनाएगा या डिमिनिश, देखते कैसे बनेगा। इसका एलसीएम ले ले, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/v = -u + f / u f राइट। यस सर। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, ठीक है। तो हमारा v कितना है, -uf / u + f
यस सर। और यू कैसा था? प्लस यू, माइनस से माइनस गया, यू से यू गया, तो क्या मैग्निफिकेशन आ गया एफ अपॉन एफ प्लस यू? यस सर आ गया। तो डेफिनेटली मोर देन वन होगा या लेस देन वन होगा? लेस देन वन। इसका मतलब डिमिनिश में आना चाहिए। ओके सर। आई थिंक लॉजिकल लगाइए। थर्ड कह रहा कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस हमारा कॉन्वेक्स मिरर की तरह हम सोचते हैं, नॉर्मल जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका मतलब कैसी इमेज बनाना चाहिए? वर्चुअल। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड यानी क्यू एस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक कॉन्केव मिरर, तो सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी क्या? यस सर सारी हो जाएंगी। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। यस सर बट समझ आ गया, फाइनली समझ में आ गया ना? यस सर आ गया। वो जो 1/v + 1/u से देखा उससे ही हेल्प मिली, बाकी नहीं समझ में आ रहा था मेरे लिए। ठीक है 56। इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ इज 20, देन u इज, तो क्या इमेज ट्वाइस साइज की है? यस सर। अब ये समझने वाली बात है प्लस टू है या माइनस टू है? दोनों पॉसिबिलिटी सोचनी चाहिए। एक बार मैंने एम कितना ले लिया माइनस टू, और एक बार एम कितना लेना चाह रहा हूँ प्लस टू। ठीक है माइनस टू कब पॉसिबल है? जब सी एंड एफ के बीच में रखे थे। बढ़िया। अगर ऑब्जेक्ट रखा है एक्स डिस्टेंस पे तो इमेज कितनी डिस्टेंस से बन रही है? 2x। 2x यस सर। क्योंकि एम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस वी बाई यू, तो वी किसके इक्वल होगा? तो यू। यस सर। ठीक है तो यू अगर हमारा माइनस एक्स है तो वी कितना होगा? माइनस टू यू। माइनस टू एक्स। अब फॉर्मूला रहेंगे 1/v + 1/u इज 1/f। क्या एफ भी नेगेटिव है हमारा? यस सर। एलसीएम क्या आ गया 2x। यस सर। इसका मतलब x कितना आने वाला है? 3/2। यस सर 3/2 ना? यस सर। अगर m प्लस 2 है इसका क्या मतलब है? तो f एंड p के बीच में रखा है। इसका मतलब अगर u हमारा माइनस x है तो v कैसा है? v प्लस 2x। प्लस 2x। थैंक यू। ठीक बात है। यस सर। 1/v + 1/u इज 1/f। एलसीएम आ जाएगा 2x। यस सर।
एफ कितना आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, एफ बाई टू माइनस एफ बाई टू। ध्यान से देखो ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल हो गया। हाँ जी सॉरी एफ बाई टू। ठीक है तो इसका मतलब एक बार ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, एफ बाई टू पर, और एक बार थ्री एफ बाई टू पर। यस सर। ठीक बात है। यस सर। तो एफ बाई टू मतलब 10 सेंटीमीटर और थ्री एफ बाई टू मीन्स 30 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो प्लस है मतलब वर्जिन एंड इरेक्ट। प्लस टू है ना। यस सर। ओ तो कॉनकेव है मिरर, कॉनकेव मिरर हो सकता है और लेंस में भी कुछ हो सकता है। हाँ जी सर। क्या और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, प्लस टू है। हाँ जी तो फोकस एंड पोल के बीच में होगा। बिल्कुल सही है, पोल और फोकस के बीच में, राइट। बी ए और सी दोनों हो जाएंगे फिर इसके आंसर। यस सर। ए एंड सी बोथ। अगर ये माइनस टू होता था, माइनस टू होता तो भी कॉनकेव मिरर होता, बट सी ऑप्शन नहीं होता। कॉनकेव मिरर होता और तब ऑब्जेक्ट होना चाहिए सी और एफ के बीच में। यस सर। ठीक है। 65 सर ऑप्शन नंबर तो जिसमें यू इक्वल टू माइनस 45 एंड एफ इज इक्वल टू माइनस 10 है। स्मॉलर चाहिए इमेज, राइट। यस सर। ऑप्शन बी। अगर स्मॉलर इमेज चाहिए तो हमें कैसा मिरर चाहिए। कॉनकेव या कॉनवेक्स भी ले सकते हैं एक्चुअली। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में एफ कैसा है, 20। 20 में तो हमेशा ही स्मॉलर बनेगा, कॉनवेक्स है। हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। यस सर। और डी भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, क्योंकि कॉनवेक्स है। यस सर। एफ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली स्मॉलर इमेज बनेगा। अब कॉनकेव में सोचते हैं, अगर स्मॉलर चाहिए तो ऑब्जेक्ट रखना होना चाहिए बियॉन्ड सी। यस सर। तो सी इसलिए, बट बी अगर एफ माइनस 30 है तो यू होना चाहिए माइनस 60 से ज्यादा, तो बी ऑप्शन तो गलत है। यस सर। बी गलत है इस केस में। सी हो सकता है। यस सर। सी हो सकता है, नहीं हो सकता। यस हो सकता है। बढ़िया, अब तो मैग्निफिकेशन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। यस सर।
ठीक है 34 करें, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 34 के अंदर कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द रे एमर्जेस पैरेलल टू इनकमिंग रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वर्टिकल मिरर। तो मुझे ये इतने अच्छे से आया नहीं, मतलब मुझे लगता है मैं यहाँ एंटी पैरेलल लिख दूंगा तो तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आएगी थॉट में। देखते हैं, मैंने कहा नहीं काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक आइडिया देता हूं। देखते हैं, लाइट आ रही थीटा एंगल पे फॉलो हो रही राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लाइट वापस जानी चाहिए 102, क्या वो एंटी पैरेलल है? यस सर। ठीक है, क्या थीटा थीटा एंगल दिख रहा है तुम्हें? यस सर। हमने मिरर कितने एंगल पे लगाया था? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। तो मैं सोच रहा हूँ क्या इस एंगल को 90 माइनस थीटा कह सकता हूँ? यस सर। क्या इसको थीटा कह सकता हूँ? यस सर। क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180। 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक बात है। और ये कितना है? 90। इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। 180। ठीक बात है ना? यस सर। तो अगर थोड़ा नोटिस करो तो क्या ये थीटा माइनस थीटा इक्वल टू जीरो बन रहा है? यस सर। इसका थीटा के कुछ भी वैल्यू डालो ये वैलिड है क्या? ये लॉजिक समझ में आया? मैंने क्या बोला? यस सर। मैं थीटा के कुछ भी वैल्यू डालू यहाँ सब जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब थीटा हम कुछ भी डाल सकते हैं 10, 20, 30 कुछ भी, तो ऑल वैल्यूज पॉसिबल है। ओके सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि अगर दो मिरर हमारे 90 डिग्री पर हैं तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे ऑलवेज क्या होंगी? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल। लॉजिकल लगा? यस सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। A reflecting surface is represented by equation x square plus y square equal to a square. A ray traveling in negative x direction is directed towards positive y direction after reflection from the surface at point P. That means I think ray hoga. A ray traveling in negative x direction is directed towards positive y direction after reflection from surface at point P. Then coordinates of point P are.
ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगता है बट है बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके सर। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्या हमारे पास एक सर्कुलर मिरर है? यस सर। ठीक है ना, लाइट पहले एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन में वाई डायरेक्शन में जा रही, जो मुझे समझ में आया इस क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, ये सर्कल का हमारा क्या है, सेंटर 0 0। ठीक है, तो हमारी एक ये लाइट आया जो कहाँ जा रही थी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली गई, वाई डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यस सर। क्या नॉर्मल दिख रहा है? यस सर। अगर इंसिडेंस एंगल आई है तो रिफ्लेक्शन एंगल कितना होना चाहिए? आई बट इक्वल आर या आई एक ही बात है, और डायग्राम के हिसाब से आई प्लस आई किसके इक्वल है, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाली लाइट वाई पे चली गई, तो इंसिडेंस एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक बात है ना? यस सर। तो क्या ये भी 45 हो जाएगा करेस्पोंडिंग एंगल के कॉन्सेप्ट से? यस सर। अगर इस सर्कल की रेडियस ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉस 45, यस सर। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए साइन 45। तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा ए बाई रूट टू कॉमा ए बाई रूट टू। यस सर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नहीं है? यस सर, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कर सकते हैं। Array of light traveling in direction this is incident on a plane mirror. After reflection, it travels along a direction this. Then angle of incidence is. ठीक है, इस क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है, देखो सॉल्व मैं करूंगा, बस मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को रीड करो और देखो क्या ऐसा कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट की इक्वेशन दी है मैं, यस सर, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप बाई टू, यस सर दी है, तो मैं इसको एज अ वेक्टर देख रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर को अपनी कॉपी में नोट कर लो, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप बाई टू, जो फर्स्ट वेक्टर आ रहा है, डायग्राम दिख रहे हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दूसरा वेक्टर है हमारा, क्या वो आई कैप माइनस रूट थ्री जे कैप बाई टू है? यस सर। लॉजिकल? यस सर। ठीक है, अब डायग्राम देखे कुछ आइडिया लग रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ? सर अब इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे? हाँ, मतलब मैं कुछ वेक्टर या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ उस पर। यस सर। ठीक है, देखो मैं आइडिया देता हूँ वेक्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जो हमारी लाइट आ रही है उसकी क्वेश्चन क्या थी, आई कैप प्लस था या माइनस था, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप बाई टू, राइट?
यस सर. जो लाइट जा रही थी उसके क्वेश्चन क्या है? आई कैप माइनस रूट थ्री जे कैप बाई टू. ठीक है, अब देखो मैं इसको बिल्कुल सिंपल बेसिक को एक कॉन्सेप्ट लगाता हूँ वेक्टर्स का. ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ठीक बात है? यस सर. अब जब हम ए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? आई से और जे को जे से. ये समझ में आता है? यस सर. मैं करके दिखाता हूँ. आई कैप बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू जे कैप, ऐसा कह सकता हूँ उसको, ए को. और बी को क्या बोलूंगा? आई कैप बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू जे कैप, राइट? यस सर. मैंने बोला जब ए डॉट बी करते हैं तो आई को किससे करना है? आई से. यस सर. वन बाई टू इंटू वन बाई टू वन बाई फोर हो जाएगा और आई डॉट आई वन होता है. वैसे ही रूट थ्री बाई टू इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू, तो क्या ऐसा बन जाएगा? यस सर. माइनस थ्री बाई फोर और जे डॉट जे वन हो जाता है, तो क्या ये माइनस टू बाई फोर बन गया? यस सर. जिसको मैंने वन बाई टू लिख माइनस वन बाई टू लिख दिया है. ओके सर. अब मॉड ए का मतलब है मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या इसका मैग्नीट्यूड वन आ जाएगा? यस सर. सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड भी वन आ जाएगा. तो कॉस थीटा माइनस वन बाई टू होता है 120 डिग्री पर. ठीक है, यस सर. और जो हम थीटा की बात कर रहे हैं वो हमेशा कौन सा एंगल होता है? एक्सटीरियर एंगल. यस सर. वेक्टर्स में ए डॉट बी में जो हमारा एंगल आता है ये एक्सटीरियर आता है, 120 आ गया. तो इंटीरियर एंगल कितना है? 60. हाँ जी 60. तो इंसिडेंस एंगल कितना है? 30. और रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना है? 30. ठीक बात है? यस सर. लॉजिकल लगा मैंने क्या बनाया? यस सर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर वेक्टर्स का अप्लाई करो तरीका तो बहुत आराम से बन गया. तो देखो डायग्राम में थोड़ा सा हिंट दिया था क्या मैंने, थीटा वगैरह शो करा हुआ है. यस सर. सो हमने ऐसे क्यों नहीं करा कि हमने इनका मैग्नीट्यूड ले लिया जिस डॉट प्रोडक्ट लगाने की जगह? क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल नहीं पता. ओके सर. इसका मतलब जब भी तुम्हें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पता हो तो हमेशा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लगाओ. और वो थीटा क्या आएगा? एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल आएगा थीटा. तो क्या इंटीरियर एंगल 2i होगा यहाँ पर अगर ध्यान दो तो i एंड i. यस सर. तो अगर थीटा 120 है तो इंटीरियर एंगल 60. अगर इंटीरियर एंगल 60 है तो 2i 60 है तो i 30 होना चाहिए. यस सर. ये डायग्राम क्लियर हुआ? मैंने इस डायग्राम में क्या बताया?